इसी से अगर निकल जाएगा तो काम कुछ। अरे आवत है ना हम। हाँ चिताड़ ये तक की है भैया, इसी में सब भरे हैं। अरे अच्छा सात लगभग हैं। हाँ कई के भरे हुए हैं सर। सबसे तगड़ा वाला यह है, ये पांचवा है भैया। हाँ पांचवा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला जौनपुर सिटी से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये अम्बेडकर नगर की पावन सरजमी है। तीन दिन से लगातार दोस्तों मेरे पास फोन जा रहा था, ये बगल में तालाब है, अजगर है, कोई सांप है। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक ये लेंगे, उनको बुलाएंगे सबसे पहले जिन्होंने हमें यहाँ पर फोन करके बुलाया था इस जीव को बचाने के लिए। आप बताइए अपना नाम पता एकदम आराम से बिंदास। सुभाष है, जिला अम्बेडकर नगर से हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? गाँव थाना आलापुर है, ग्राम सभा 17 है। कितने अजगर हैं? कम से कम आठ है, आठ या नौ। तो इसे क्यों पकड़वाना चाहते हैं आप? नुकसान से बचने के लिए पकड़वाना चाहते हैं। क्या नुकसान है आपका? मछलियों को खा जाते हैं लोग। अच्छा, तो दोस्तों ये बड़ी जेसीबी मशीन भी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये फावड़े से नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा हार्ड काम है। तो चलिए दोस्तों फिर इसे फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं। बस आप नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए प्लीज कम सर, लाइए आप लोग इधर आ जाए। यही थोड़ा तोड़ के वहीं ऊपर रखिए। आज पर दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एक तो निकल चुका है। चलिए अब हम इसको दोस्तों यहाँ से रेस्क्यू करते हैं। बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों, इसे चोट नहीं लगी। ये दोस्तों काफी भूखा प्यासा है। इसको हमारे गांव में दोस्तों इंडियन रॉक पाइथन से बोलते हैं। इसका पसंदीदा भोजन डेढ़ साल बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको सबसे पहले हम पैक करेंगे। लगा नहीं कहीं? नहीं नहीं कहीं। आराम से भैया, थोड़ा सा फिर बनाइए। चलो अब आराम से निकाला। हाँ हाँ एक 25 है। आराम से ले जाए। रुक जाए भैया, देखिए बिल इधर से है। ये तो कह रहे हैं इसके पत्ती का है। यार भागा मत, तलों का है अपना यार। कब तक लखले चक्कर मुड़ा? हां अरे भाई अंदर है। हां ये खाए ना। हां हां पूरा साफ स्पष्ट। ढेलो हटाओ, ढेलो हटाओ। ये बाहर नहीं चली गई। चल ली है पूरा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से ये मट्टी के टीले में रहते हैं ये बड़े से बड़े जानवर। इसलिए दोस्तों इनको यहाँ से निकालकर काफी दूर जंगल में रिलीज करना तो बहुत ही जरूरी है। ये दोस्तों हमारे यहाँ शीशम, इसको बोलते हैं शीशम का पेड़ है। इसके नीचे बहुत सारी जगह है, पानी जब बारिश होता है तो यहीं से क्रॉस होते हुए इसकी शाखाओं से, सोड़ शाखाओं से अपने तालाब में जाता है। इसमें पूरा प्ले है और इसी में सारे अजगर बैठे हैं। इसे खींच के निकाले क्या? देखिए इसी से अगर निकल जाएगा तो काम कुछ। अरे आवत है ना हम। हाँ चिताड़ ये तक की है भैया, इसी में सब भरे हैं। अरे अच्छा सात लगभग हैं। हाँ कई के भरे हुए हैं सर। देखो नीचे इसमें जगह बहुत है। अरे वहाँ से कोई ना कोई अंदर काफी गहरा है, काफी गहरा इसलिए भैया ये हाँ ये तो जीवों को बचाना है। दोस्तों इसमें बहुत सारे सांप भरे पड़े हैं और इसके नीचे बहुत सारी जगह है, तो एक साथ इनको बचाने के लिए दोनों में से एक ही बच पाएंगे, या तो ये बचेगा या तो पेड़ बचेगा। चलिए पकड़ो जी भैया। थोड़ा आगे करो।
बारीकियों से बचा करके सभी जीवों को निकाल रहे हैं। भैया वहीं रुकिएगा, भाग दौड़ मत करिए, भाग दौड़ उधर सामने, शांति रहिए, देख लीजिए इनसे। तो दोस्तों एक एक करके इन सभी जीवों को बचाया जाएगा यहाँ से। चलिए दोस्तों इसको भी हम निकालते हैं, ये देखने में बच्चा लग रहा है लेकिन काम पूरा सच्चा वाला कर गया। चलिए बैग खोल दीजिए मिल जाए किसान भैया अंकित घर है बा भैया आप थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। आइए बस हल्का खाली ऊपर वाला बस ये मोटकी मटी हटा खाली हाँ मोटकी वाली ऊपर फावड़ा ला दीजिए। हाँ फावड़ा ला ही था ऊपर से ऊपर से घर जरूरी है लगा तो नहीं ना चलिए दोस्तों ये एक एक करके तीसरा इंडियन फ्लैग पाइथन भैया ये झोला खोल दीजिए। भैया फावड़ा ला दीजिए। पकड़ ले उठो बड़ा वाला चलिए भैया खोलिए अब विशाल हल्के खोल यार के पकड़ाओ फरुहा से अब हमें मशीन हमें लगाई एकदम मना हम करते हैं आप ना बताओ छुछा जाए सारा दुनिया भर हां भैया थोड़ा फावड़ा ला दीजिए थोड़ा फावड़ा ला दीजिए दोस्तों आप ये देख सकते हैं काफी कड़ी मेहनत के बाद जद्दोजहद भी हुआ लेकिन इतने विशाल काय काय ये बेचारे अजगर साहब सबसे बड़का वाला ये का दोस्तों इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे ये काफी खाया पिया घर से बिलोंग करता हो ये लोग इसको काफी खिलाए पिलाए हैं सबसे तगड़ा वाला यह है दोस्तों यही लगता है ये मादा है काफी बिग साइज का निकल रहा है चलिए फोटो ही चाहिए टेंशन ना लगे खोले हैं इसे ने डरा जाने डर जाते हैं क्या हो गया जो गले को पकड़ लिया गया नहीं नहीं सही है यार कोई अभी और भी होगा ना हाँ अभी पांच अभी आठ नौ बता रहे हैं ना भैया फावड़े से थोड़ा इसको पकड़ करिए पांच सांप हम लोगों को निकाल लिया कितने निकाले ये बाहरी टीम आल हुआ सब ये पांच इंडियन रॉक पाइथन को दोस्तों निकाल लिया गया काफी सफाई और सावधानी पूर्वक जिससे इसको किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाते हुए इसे लेके चलेंगे दोस्तों काफी दूर जहां घर परिवार ना हो जंगल झाड़ियों में इसे रिलीज किया जाएगा
थोड़ा चाहे तो आप इसको उठा लीजिए एक बार उससे, है ना, ज्यादा जगह हो जाता है। अगर अगर नया सिस्टम बनल हो फिर वह देख उसके बताओ हम यहीं पे जगह तो यही सब लोग घर के बहुत बड़ा भाग्यशाली है, उनको पिलाओ खिलाओ वही है कौवा है। अरे भाई हमको खदवा मान ले कोरा तो खदवाए दे बहुत सामान तो लग रहा नहीं खोदा आओ खोद जाता तो मिल ला ना भैया। एक बार अब जो है ना यहां थोड़ा बिल होगा, एक बार और ट्राई कर लीजिए यार। चालू धुरी आवत हुआ खाली तो दोस्तों काफ़ी कड़ी मेहनत हुई और जद्दोजहद के साथ जेसीबी मशीन भी लगी और पूरे मेहनत के साथ हम लोगों ने लगभग इंडियन रॉक पाइथन को 6 सांपों को बचा लिया गया। यहाँ के लोग भी दोस्तों बहुत अच्छे थे, इन्होंने भी मेजबानों को इन सांपों को मारा नहीं बल्कि बचाने के लिए हमको याद किया। दोस्तों ये हमारे सबसे बड़े सहयोगी रहे जिनके आशीर्वाद से इन जीवों को बचाया गया, जेसीबी जिनकी थी यही चाचा जी हैं। ये हमारा काम देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सब लोग इससे संतुष्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। एक बात और है दोस्तों, लोगों को जागरूक करना, इन जीवों को बचाना हमारा मेन उद्देश्य है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना। और एक बड़ी बात ये दोस्तों, उन सभी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जो भारत के तमाम सर्प मित्र हैं, वो भी अपनी जान की बाजी लगा करके ऐसे जीवों को बचाते रहते हैं। सभी का हौसला का दिल से सैल्यूट है और आपको भी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहीं त्रुटियां होती हैं बोलचाल में या दोस्तों इन बेजबानों को पकड़ने में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ कीजिएगा, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपने पूरी वीडियो को देखा, ठीक उन्हीं सांपों को लाए हैं पावन से जंगल में रिलीज करने के लिए। आपको दिखाते हैं इन सभी बेजबानों को रिलीज करेंगे इसी पावन से जंगल में। दोस्तों इस प्रकार से बिजवानों को बचाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जेसीबी में मशीन लगा करके दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, इन 6 इंडियन रॉक पाइथन को बचाए और एक बड़े से जंगल में ला करके आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी को रिलीज कर दिया गया। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जय हिंद और बाय।